हेलो एवरीवन, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में आप सभी जानते हो। डीपीएस में आप लोगों को जो पे स्केल दिया जाता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का जो सरकार का नियम है उसके अनुसार दिया जाता है। साथ ही साथ डीपीएस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप काम करते हो तो जस्ट लाइक आपका गवर्नमेंट ही होता है। उसमें आप लोग को परमानेंट रहेगा, साथ साथ में आपको पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी दी जाएगी, सब कुछ एकदम जस्ट लाइक गवर्नमेंट की तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो डीपीएस में अच्छी वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, एनटीटी, म्यूजिक, सभी सभी पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप वेट कर रहे थे किसी ऐसी वैकेंसी के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी के बारे में जैसे मैंने बताया है कि 7th पे कमीशन होता है। इसमें सैलरी आप लोग का 60 to 70,000 तक होता है, मतलब सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। और देखो डीपीएस के बारे में बात करूं तो दो तरह का डीपीएस होता है। एक फ्रेंचाइजी वाला होता है जिसमें कि नॉर्मल सैलरी रहती है 25 से 30 हजार, लेकिन जो एक मेन डीपीएस होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाया जाता है उसमें आपको सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आपको पीएफ दिया जाएगा और सीपीएफ होगा, कंपनी की तरफ से ही आपका पीएफ रहेगा, और साथ ही साथ में आपको ग्रेच्युटी दी जाएगी। तो ऑल ओवर सब कुछ जो एक गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलता है वो आपको यहां पर मिलने वाला है। तो चलिए इस वैकेंसी को देखते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। और एक और चीज मैं बोलूं, जिन लोगों का पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी यानी कि जो इसमें मांग रहा है वो अगर आपके पास है तभी भरिएगा, क्योंकि इसमें डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा है। तो पैसा मांग रहा है तो पूरा एलिजिबिलिटी है तभी भरना, तभी जाकर के शॉर्टलिस्ट होगा और आपको कॉल किया जाएगा। इसमें किसी तरीके का एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम, डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर आप लोगों का जॉब इसमें मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करूं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, यहां पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल राजस्थान से है, जोधपुर से है। आप चाहो तो इसके साइट पर जाकर के भी देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हम जो है ये साइट पर ही आकर के ये फॉर्म जो है ओपन कर रहे हैं। ये है साइट, यहां पर आप देखोगे दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर, और ये साइट पर दिया गया है। तो किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि वैकेंसी है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि 1 महीने के अंदर अप्लाई कर देना, 20 दिन के अंदर जो है आपका रिज्यूमे और सारी चीजें जो है वहां पर पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद भेजोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर आप लोगों को आना है रिक्रूटमेंट फॉर द सेशन 2025 एंड 26। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो फॉर्म है, जो रिक्रूटमेंट है, इस तरह से ओपन हो जाता है। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया सारा पोस्ट है, पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक का सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। पीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी है, इंग्लिश टीचर के लिए है, मैथ्स टीचर है, फिजिक्स है, फाइन आर्ट्स जिसको पेंटिंग कहते हैं ये आप लोगों का है। पीजीटी में क्या चाहिए होता है क्वालिफिकेशन, तो आपको मास्टर चाहिए होता है और बीएड चाहिए होता है। याद रखना जिसका क्वालिफिकेशन मैच करेगा ना वही भरना इसको भाई, मैं पहले ही बता रही हूं। और क्वालिफिकेशन अगर मैच कर रहा है तो जरूर भर देना, ये भी बात है। दूसरा है टीजीटी के लिए, टीजीटी में भी आपको इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए है। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन मांगता है और बीएड मांगता है, लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे होता है, सरकार के नियम के अनुसार होता है, तो इसमें आप लोगों को प्लस सीटेट भी मांगेगा, सीटेट पेपर 2 वो आपका क्लियर होना चाहिए तभी आप टीजीटी वाला फॉर्म भर पाओगे, एकदम याद रख लेना। क्योंकि परमानेंट जॉब दे रहा है आपको, 60 से 70 हजार की सैलरी देने वाला है तो डिमांड तो करेगा ही। तो जिन जिन लोगों का ये है क्लियर है वो लोग फॉर्म डाल देना। पीआरटी में अगर बात कर लेते हैं तो पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में है। इसके अलावा डांस, म्यूजिक, इन सभी के लिए, आर्ट, क्राफ्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सबके लिए है। तो अगर हम गवर्नमेंट नॉर्म्स पर जाते हैं तो आप लोगों का डीएलएड वाले बच्चे जो है ये फॉर्म भर पाएंगे, डीएलएड वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। और इसमें भी आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, सीटेट में पेपर 1, या फिर रीट जो कि राजस्थान में होता है, राजस्थान का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो अगर क्लियर है तो भी भर सकते हो। अगर या तो सीटेट हो या तो रीट हो, दोनों में से कोई भी है तो भर सकते हैं फॉर्म। फिर उसके बाद स्पेशल एजुकेटर का है, काउंसलर का है। देखो काउंसलर वाले जॉब में आप देखोगे तो फीमेल मांगता है। काउंसलर वाले जॉब में जो भी बच्चे साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन
या मास्टर किए हुए हैं उन लोगों के लिए एकदम बल्ले बल्ले हो जाती है। एक तो आप लोग को टीचिंग जॉब में भी चले जाते हो, काउंसलर में भी चले जाते हो, तो जिन लोगों ने साइकोलॉजी से मास्टर किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन है तो भी एक बार अप्लाई कर सकते हो, मे बी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जल्दी जो है फीमेल स्टाफ काउंसलर में मिलती नहीं है, तो चांसेस ऐसे आप यहाँ पे बन जाता है। अब ये सारी चीजें समझ गए, अब हम आ जाते हैं एज क्राइटेरिया पर और साथ में सैलरी पे। एज का क्या है, तो एज आप लोगों का जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग है। पीजीटी वाले बच्चे के लिए जो है आप 40 साल जो है मान सकते हो पूरा ये रिलैक्सेशन ये लेकर के। टीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 35 ईयर्स होता है, वुमेन को जो है एक दो साल और मिल जाएगा, 37 ईयर्स तक हो जाएगा। पीआरटी के लिए 30 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको 3 साल ओबीसी एंड 5 साल आप लोगों का एससी एसटी को मिल जाएगा, तो ये भी आपका 35 तक चला जाएगा। तो इस टीजीटी में भी वही है, रिलैक्सेशन मिलेगा तो ये भी आपका 35 और 5 40 चला जाएगा, पीजीटी में ये 40 5 45 चला जाएगा। तो ऐसे आप लोगों का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने पर होगा। सैलरी के लिए बात कर ले तो सैलरी में मैंने बताया ही सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। पीजीटी पोस्ट के लिए सैलरी 70,000 तक चली जाती है, 60 से 70,000 के बीच में रहती है। टीजीटी के पोस्ट के लिए बात करते हैं तो 55 से आप लोगों का 60,000 के बीच में सैलरी इसमें आ जाती है, और पीआरटी के लिए अगर बात करें तो उसमें भी आपको 50,000 तक सैलरी आ जाती है, और इंक्रीमेंट होता है हर साल, इंक्रीमेंट होता है आपके परफॉर्मेंस पे, तो उसमें भी सैलरी बहुत बढ़ती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों के लिए रहती है। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लो। देखो अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म इसमें दिया गया है, यहां पर जाओगे क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, और आपको जो है इसका डीडी बनाना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और ये डिमांड ड्राफ्ट आप लोग का 250 रुपए का है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप लोग का 250 रुपए लगेगा। इन फेवर ऑफ डीपीएस जोधपुर शुड रीच स्कूल विद इन 20 डेज, तो ये आप लोगों को जो है फेवर ऑफ जोधपुर डीपीएस को बनाना है, और ये 20 दिन के अंदर आपका पूरा क्वालिफिकेशन, आपका रेज्यूमे, आपका ये डीडी सब कुछ पहुंच जाना चाहिए, तब जा करके ये आपका सिलेक्शन होगा। उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका जो है रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, हो सकता है मेल या कॉल जाए, तो उस समय जब आप लोग कॉल या मेल के लिए आप लोग अपना ईमेल आईडी या फिर नंबर डालोगे तो वो सही से अच्छे से डालना, ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके, उनका कॉल कर सके। ये है फॉर्म, यहां पर आप लोग को फॉर्म में भी वही करना है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, यहां पर आप लोग का फोटो हो जाएगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ है, क्वालिफिकेशन है, एड्रेस है, ये सारी चीजें। फिर यहां पर आपको कंप्यूटर आता है या नहीं वो लिखना होगा, यहां पर आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसका नाम लिखना होगा, सिग्नेचर करना है, डेट डालना है, और इसको भी निकाल कर प्रिंट आउट, और सारा आपका डॉक्यूमेंट 10th का 12th का ग्रेजुएशन मास्टर, और अगर बीएड है तो बीएड, डीएलएड है तो डीएलएड सीटेट, इन सभी का जो है आपको फोटोकॉपी निकाल करके और एक रेज्यूमे भी डाल दोगे तो अच्छी बात रहेगी, और वो सारा जो है आप लोगों को एनवलप में डाल करके सेंड करना है, और डिमांड ड्राफ्ट भी होना चाहिए। सेंड कहाँ करना है, एड्रेस क्या है, एड्रेस जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको एड्रेस दिखा देती हूँ, ये देख लो, ये है एड्रेस जहां पे आपको भेजना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर आ जाएगा, बाईपास रोड पाल जोधपुर राजस्थान, ये आप लोगों का रहेगा। फोन नंबर आप लोग डाल सकते हो, ये आपका मेल आईडी है, अगर कुछ पूछना है तो आप यहां से भी पूछ सकते हो। ये इस एड्रेस पे आप लोगों को अपना सारा डॉक्यूमेंट सेंड करना है 20 दिन के अंदर अंदर, तो ये आप लोग अगर सेंड करते हो तो आप लोगों का अगर रेज्यूमे और आपका पूरा डॉक्यूमेंट अगर शॉर्ट लिस्ट होता है तो आप लोग को कॉल या मेल किया जाएगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, जोधपुर से ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, जैसे आपको प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस से आप फॉर्म भर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई वैकेंसी, टीचिंग से रिलेटेड कोई और अच्छी वैकेंसी आती है तो डेफिनेटली आपके लिए हम लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर।